जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड IMC फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा साथी है हमारा शरीर और आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब है भाग दौड़ भरी जिंदगी। दिन भर आरामदायक कुर्सियों पर बैठना, मुलायम गर्म गद्दों पर सोना और एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। या व्यायाम की बात हो तो एक ही जवाब, समय ही नहीं मिलता, क्या करें। दोस्तों, इस सब आपाधापी भरी जिंदगी में जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाली चीज है वो है हमारा शरीर। नतीजे के तौर पर जो समस्या सबसे अधिक व सबसे पहले उभर कर सामने आती है वो है लोअर बैक पेन, यानी कि साइटिका, जिसे आयुर्वेद में गृधरसी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसके लक्षण व कारण क्या हैं, वे इस रोग के निदान क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम रोग एवं निदान में। लेकिन सबसे पहले आइए हमारे विशेषज्ञ का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर हिमांशु जी का। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आंसी जी। डॉक्टर हिमांशु, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आप इतनी कीमती जानकारी हमारी दर्शकों के साथ शेयर करते हैं जी। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस रोग पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है साइटिका, यानी कि गृधरसी। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइटिका यानी कि गृधरसी है क्या। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए, गृधरसी का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा विवरण है और इसको वात व्याधि के अंतर्गत आचार्य चरक ने और अन्य आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विवरण बताया हुआ है जी। तो चरक संहिता के अनुसार एक ही श्लोक में इसका पूरा विवरण दे दिया गया है, जैसे कि जी, स्फिग पूर्वा कटिपृष्ठो रुजानुजंग पदम क्रमात् गृधरसी स्तंभ रुक्तो देह गृणाति स्पंदते मुहुर् वाताद वात कफाद तंद्रा गौरव वरोचकवन्विता। अर्थात एक श्लोक में ही ये भी बता दिया गया कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, कहाँ होती है, कहाँ तक जाती है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये गृधरसी यानी सियाटिका ही है जी। तो बताया हुआ है कि कमर के निचले हिस्से से ये रोग शुरू होता है, स्फिग पूर्वा यानी कमर के निचले हिस्से से, बिल्कुल नीचे से शुरू होता है और पैरों से पदम क्रमात् पैरों से जांघों से होता हुआ एड़ी तक चला जाता है जी। इस रोग को सियाटिका बोलते हैं। कारण कोई भी हो जी, कारण अलग अलग होते हैं इसके, लेकिन जो ये पेन होती है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लोअर बैक एक री का दर्द सियाटिका काफी नामों से जानते हैं, ये दर्द आयुर्वेद में एक ही श्लोक में पूरा विवरण दे दिया गया है। कमर से नीचे होता हुआ दर्द पैरों में अगर चला जाए, चाहे एक तरफ चाहे दोनों तरफ, तो उसको सियाटिका बोलते हैं। इस बीमारी के बारे में कैसे पता चलता है अगर किसी को हो गई है, यानी कि इसके सिम्टम्स लक्षण क्या क्या हैं? जी, जैसे मैंने अभी श्लोक में आपको बताया कि इसका जो लक्षण है वो पूरी तरह इसमें विवरण दे दिया गया है। इसको थोड़ा एलोबरेट करने के लिए हम लोग बताएंगे कि कमर से नीचे जो दर्द हो और कमर के निचले हिस्से पे जकड़ाहट हो, पैरों में नंबनेस यानी कि सुन्नपन का एहसास हो, दर्द हो, खिंचाव हो, कीड़ियाँ की चलने जैसा अनुभव हो, कुछ उंगलियाँ कुछ एक हिस्सा सुन्न प्रतीत हो और चलने पर बैठने पर लेटने पर कोई एक पोजीशन पर आने पे हमारा पैर सुन होने लग जाए, कमजोरी आने लग जाए, तब हम इस रोग को गृधरसी यानी सियाटिका का नाम देंगे जी। बहुत खूब डॉक्टर हिमांशु, अब ये तो आपने बताया लक्षण हो गए, तो क्या कारण है कि आजकल लोगों में सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है? ये आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि लोग बड़ी जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं जी। बिल्कुल, बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी उसमें आ जाएगा। तो बरसात में यही रूल फॉलो होता है। वैसे ही जैसे जैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ज़्यादा लोग
इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आप देखिए, पहले क्या था, लेडीज़ काम करती थी, जेंट्स खेतों में काम करते थे, चलने की प्रक्रिया बहुत ही मेहनत का काम था, लोग बोझा उठा के चलते थे, अपनी पूरा दिन उनका काम धंधे में व्यतीत हो जाता था। अब जीवन शैली वैसी नहीं रही, अब जीवन शैली में काफ़ी चेंज आ गया है। बैठने का काम ज़्यादा है, एक स्थान पर बैठने का काम ज़्यादा है, कई लोगों को तो 8-9 घंटे एक ही जगह पर बैठना पड़ता है ऑफिस में काम पे। और नहीं है तो हम खुद अपने आप को ख़राब कर लेते हैं, एक ही पोजीशन में बैठ के टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या हम लोग एक ही पोजीशन में बैठकर गलत तरीके से सो जाते हैं, ज़्यादा ऊंचा तकिया ले लेते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि गलत पोस्चर में बहुत देर तक हमें बैठते हैं, कईयों को टेढ़ा होकर बैठने की आदत है, कईयों को एक तरफ झुक के बैठने की आदत है। तो चाहे रोग बाहर से आए, हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से आए, वायु वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से आए, या हमारे शरीर के अंदर से ही कोई रोग उत्पन्न हो, लेकिन जो रोग उत्पन्न होता है और हमारी कमर के निचले हिस्से में दर्द करता हुआ पैरों में लेके जाता है, पैरों में नंबनेस जैसी फीलिंग होती है, पैरों में कीड़ियाँ जैसी लगने की फीलिंग होती है, कीड़ियाँ चलने के समान फीलिंग होती है, और सुई चुभोने जैसी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें स्याटिका हो चुका है और उचित चिकित्सक के संपर्क में जल्दी आना चाहिए। जल्दी आ जाए, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मैं बेहद हैरान हूँ ये जानकर कि साइटिका जैसी बीमारी से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एक इंसान को। तो इस असहनीय बीमारी के लिए कोई उत्तम योग भी बता दीजिए। जरूर, देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर एक बीमारी आहार और विहार सही करने से अपने आप ही ठीक हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेचुरली वात वर्धक आहार विहार कर रहा है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो सबसे पहले रोगी को वात वर्धक आहार विहार करने से तुरंत रोके। जैसे बहुत देर तक एक्सरसाइज करना, बहुत देर तक घूमना फिरना, कोई बहुत लंबा सफ़र करना, गलत पोस्चर पे बैठना, बहुत देर तक एक ही पोस्चर पे बैठे रहना, माँ की दाल, राजमा, कड़ी, अरबी, कच्चा टमाटर, ऐसी वायु वर्धक चीज़ें अधिक लेना एवं पूरी तरह निष्क्रिय भी रहना, ये सब चीज़ों उसको अवॉइड करनी चाहिए। हल्की फिजिकल एक्सरसाइज करे, हल्का योग करे, हल्की कसरत करे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करे, अपने चिकित्सक के अकॉर्डिंग उसको बताए हुए कुछ टिप्स को फॉलो करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो आज हम यहाँ बात करने आए हैं, IMC के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट निरंतर लोगों को इस बीमारी से दूर करते जा रहे हैं, लोगों को ठीक करते जा रहे हैं, उसका उपयोग साथ साथ में ज़रूर करें। अब आयुर्वेद का जो मेन उद्देश्य है ठीक करना किसी को, वो है कि हम सबसे पहले आम पाचन करें। जो ऐसा आम, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आम है, जो हर रोग का कारण है आयुर्वेद में, सबसे पहले उसको ठीक करें। और दूसरा काम क्या है कि जो ऑलरेडी वायु बढ़ गई है और हमारी हड्डियों को और हमारी कमर को उसने कैप्चर कर लिया है और वहाँ पे दबाव पैदा कर रही है, उसको कम करें, इन्फ्लामेशन को कम करें, और नाड़ी जो दब रही है उसको ताकत दे। ये इसका क्राइटेरिया है इसको ठीक करने के लिए। तो आप ये जान के बहुत ही हैरान होंगी, ये चारों क्राइटेरिया हम IMC परिवार ने एक ही जादुई डब्बी में बंद कर दिया है, जिसका नाम है IMC पेन अवे। क्या बात। अब इसमें ऐसे कुछ द्रव्य हैं जो आम पाचन के रूप में, जैसे शुंठी है, शुंठी सौंठ जिसको हम जानते हैं, इस सौंठ जो है ये आम पाचनीय है, ये पेट के डाइजेशन को हमारी ठीक करती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड, जिस आम की मैंने बात करी, जो हर रोग का कारण है, उसको ये ठीक करने में मदद करती है जी। दूसरा क्या आता है कि ऐसे द्रव्य जो वायु का शमन करें, वायु को खत्म करें, वो क्या क्या है, दिव्य औषधि जो है वो है रासना। रासना मतलब एक ऐसा दिव्य औषधि जो वायु को बहुत जल्दी शमन करता है जी। उसके साथ निर्गुंडी, निर्गुंडी के साथ अश्वगंधा, अश्वगंधा के साथ बला, विदारा, ये सारी दवाइयाँ वायु का अनुलोमन करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर से वायु को जो है निष्कासन करती है और वायु को वहाँ से हटा देती है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें नाड़ियों को भी ताकत देनी है, तो नाड़ियों को ताकत देने के लिए आयुर्वेद में अश्वगंधा को नंबर 1 बताया गया है। तो अश्वगंधा है इसमें
नाड़ी को कम करने के लिए, नाड़ियों को ताकत देने के लिए। और साथ में क्या है, हल्दी है जो सबसे बड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करती है। और तीसरा क्या है, गिलोय, जो कि औषधियों में सर्वोत्तम है, इससे बड़ी कोई औषधि आयुर्वेद में पैदा नहीं हुई। और एलोवेरा है जो कि हमारे आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा जो ये दिव्य औषधि है। बिल्कुल। आगे हमारे ये भी बताया हुआ है कि कुछ ऐसे आयुर्वेदिक योग हैं जिसका उपयोग हमने इसमें किया है, जैसे योग राज गूगल आयुर्वेद चिकित्सक, अगर ये मेरी बात सुन रहे होंगे तो उन्होंने इस बीमारी को ठीक करने के लिए कई बार अपने जो पेशेंट्स हैं उनको योग राज गूगल लिखा होगा। कई हजार सालों से ये चलता हुआ जो नुस्खा है ये आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। नाड़ी बल्ले के रूप में आयुर्वेद में अश्वगंधा का नाम बताया हुआ है। अश्वगंधा जो है, इसका नाम में ही सब कुछ है, अश्वगंधा, जो हमारे शरीर को घोड़े जैसी ताकत दे उसको अश्वगंधा बोला जाता है। इसलिए ये हमारी नाड़ियों को भी ताकत देता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है, शोथ हर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है गुदंती भस्म। गुदंती भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हमारे जैसे कमर में अकड़ाहट होती है या जो वहाँ पे दर्द होता है उसको कम करने में बहुत मदद करती है। इसलिए ये एक ऐसा योग हम लोगों ने तैयार किया है जो कि हमारे शरीर को ताकत देता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, नाड़ियों को ताकत देता है, हमारे रोग को समूल नष्ट करने की ताकत रखता है, आम पाचन के रूप में हमारे जो आम दोष है उसको ख़त्म कर देता है। तो शुरू से लेके अंत तक जिन जिन कारणों से ये रोग उत्पन्न होता है उसको ठीक करने में बहुत अधिक मदद करता है। कारण कोई भी हो, मदद ज़रूर करेगा ये। और अगर आप हमारे इस पेन अवे को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो साथ में आपको ताकत भी मिलेगी, नॉट ओनली बीमारी खत्म होगी, ताकत भी मिलेगी और इस रोग से लड़ने के लिए आजीवन आपको हिम्मत भी मिलेगी। तो ये सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, एक 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 कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। क्या बात? जो हम लोगों ने इतने साल से एक IMC परिवार के रूप में जो हम लोगों ने कसम खाई है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, ये उस कसम का, उस मेहनत का, उस डेडिकेशन का नतीजा है। जैसे जैसे लोग इसको यूज़ करते जाएंगे वो आगे से आगे इसके बारे में बताते जाएंगे, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जिस तरीके से यूज़ करेगा, उसको निश्चित लाभ होने वाला है, उसको लाभ ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, रोग में कमी आएगी और जो पेशेंट है वो अपने निकट संबंधियों जो इस रोग से पीड़ित हैं उनको भी ठीक करने में इस प्रोडक्ट की और हमारे एक्सपीरियंस की वो उपयोग करेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हमारी IMC के प्रोडक्ट्स वाकई इतने अच्छे हैं कि इनको लेने से हमें हर बीमारी में फ़ायदा ज़रूर होता है। डॉक्टर हिमांशु, आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी, समय समय पर उनका फीडबैक हमें मिलता रहता है, आपकी दी हुई जानकारी से उनको वाकई बहुत फ़ायदा हो रहा है, स्पेशली वो लोग जो इस बीमारी यानी कि साइटिका की परेशानी से ग्रसित हैं। तो आपका आने के लिए प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। गुड IMC। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य को लेकर और भी चर्चा होगी हमारे अगले एपिसोड में, देखते रहिए प्रोग्राम रोग एवं निदान। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल IMC बिजनेस को। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड IMC।